किसी ने मुझे एडवाइस किया कि आप मेडिटेशन करते हो, एक बार पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करना और अपना एक्सपीरियंस बताना मेरे को। पूर्णिमा को मेडिटेशन का मतलब है जब फुल मून हो, फुल मून वाले डे वाले दिन। और इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं भी हैं कि फुल मून मेडिटेशन होती है कि जब चांद पूरा निकला हो तो उस दौरान मेडिटेशन करो, तो एक अलग अनुभव होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर मैंने फुल मून डे वाले दिन भी यस पूर्णिमा के दिन भी मेडिटेशन की। उसके बाद फिर मैंने अमावस्या वाले दिन भी मेडिटेशन की। मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस जरा बटोरता हूँ मैं। और मैंने शिवरात्रि वाले दिन भी मेडिटेशन की। तो कुल मिलाकर क्या एक्सपीरियंस रहा, और इसको लेकर लोगों के अंदर बहुत क्रेज है, लोगों के अंदर इसको लेकर ऑब्सेशन है कि भाई मेरे को पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करनी है, मुझको देखना है कि मेरी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर मुझे अमावस्या पर देखना है क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैंने मेडिटेशन की और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेडिटेशन में अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो फिर मेडिटेशन नहीं होगी। क्योंकि आप मेडिटेशन में एक्सपीरियंस देख रहे हो, यानी आप मेडिटेशन में एक्सपीरियंसर क्रिएट कर रहे हो। आप मेडिटेशन में अपने अंदर एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हो, आप मेडिटेशन में अपने अंदर एक डुअलिटी क्रिएट कर रहे हो, द्वंद क्रिएट कर रहे हो। तो फिर वो मेडिटेशन कहाँ से हुई, वो ध्यान कहाँ से हुआ, वो ध्यान टूट गया, वो ध्यान डिस्टर्ब हो गया। आपकी अब उसमें इच्छा जाहिर हो गई कि आप मुझे एक्सपीरियंस लेना, अच्छा कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है पूर्णिमा दिन वाले दिन, कितना कैसा महसूस होता है। भगवान बुद्ध को पूर्णिमा दिन वाले दिन एनलाइटनमेंट मिली थी। अमावस्या को क्या होता है, शिवरात्रि को मेडिटेशन करता हूँ, बिल्कुल शून्य हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बताया आपकी ये डिजायर चल रही है, और जो भी डिजायर होगी वो आपको अपनी ट्रैप में फंसाएगी, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होंगे, नॉर्मल सी बात है। और जो आपको एक्सपीरियंस होंगे वो आपके सुने हुए एक्सपीरियंस होंगे, जो आपने ऑलरेडी जाने होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको एक फिजिकल फॉर्म दे देगा और आपको लगेगा वाह क्या चीज हो गई मेरे साथ। तो इस चीज में हमें नहीं फंसना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं, रियलिटी बताऊं, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे मैं नॉर्मल डेज पर मेडिटेशन करता हूँ, और जैसे मैंने पूर्णिमा वाले दिन मेडिटेशन की, जैसे मैंने अमावस्या वाले दिन मेडिटेशन की। मेडिटेशन मीन्स कुछ नहीं रहना, नथिंग, कंप्लीटली नथिंग, बस द एंड, खत्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई अपने अंदर आपको थॉट क्रिएट नहीं करना। आप थॉट क्रिएट करोगे तो आप फंस जाओगे उसमें, फिर वो मेडिटेशन नहीं हुई, ध्यान नहीं हुई, तो वो एक सेल्फिश डिजायर होगी ना आपकी। जो तो हम देखते हैं कि मैटेरियली भी लोग अपनी सेल्फिश डिजायर फुलफिल करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी चीजें करते हैं। तो मेडिटेशन में आपका माइंड पूरी तरह से सीज हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है सबसे ज्यादा कंट्रोल करना क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल कंट्रोल करना। कहते हैं कि कुछ लोग थे, कॉमिक्स की फॉर्म है, कहानी की फॉर्म है, क्या मतलब, पुराने लोग बताते हैं कि आप सूरज को कंट्रोल कर लोगे, पृथ्वी को कंट्रोल कर लोगे, आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है अपने मन को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पर हम अब क्या लेके आ रहे हैं, अपना मन, अपने विचार, अपना अनुभव। अनुभव बताते हैं भाई कैसा होगा। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव पड़े हुए हैं, इस दिन मेडिटेशन की, ये मेडिटेशन की, इससे क्या अनुभव हुआ। नो, अनुभव हो रहा है तो मैं मेडिटेशन नहीं है, वो ध्यान नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक पहचान होती है सही मेडिटेटर की, एक सही ध्यानी की, एक सही साधक की, कि वो कभी अनुभव की बात करता ही नहीं है, खासकर मेडिटेशन की फील्ड में। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग लाइफ को लेकर सीरियस हैं, मैंने एक एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कक्षा प्रिपेयर किया, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम प्रिपेयर किया है, जिसमें जो लाइफ टाइम मेंबरशिप अभी चल रही है फिलहाल, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप इन द सेंस कि पहले 12 वीडियोस आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी जाएंगी, उसके बाद फिर डेली एक वीडियो रेगुलरली आपको मिलेगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें मेडिटेशन करूंगा, और उस मेडिटेशन में हम डेली एक ना एक किसी चीज पर इंक्वायरी करेंगे, और फिर साइलेंटली उसकी लेयर्स खुलने देंगे अपने आप। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, एक बार ही आपको पेमेंट करना है, जिंदगी भर वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।